वेलकम टू माय चैनल नाजिन, आज मैं आपके साथ स्टिलमैन फेयरनेस स्कीम के बारे में बताऊंगा कि ओरिजिनल और फेक में क्या फ़र्क है। तो नाजिन, इसलिए तफसील से आप देखें आखिर तक वीडियो को ताकि आप कोई भी चीज़ स्किप ना कर सकें। सबसे पहले नाजिन देख लेते हैं दोनों क्रीमें जो हैं फेक और ओरिजिनल सेम हैं। इनमें फ्रंट से देखने में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। ओरिजिनल और फेक में आप जब कंपेरिजन करेंगे तफसील के साथ तभी आप इसको मालूम कर सकते हैं कि इसमें ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। अगर पैकिंग की बात करें तो नाजिन दोनों की पैकिंग जो है वो सेम है और इसके अंदर जो डिब्बी हैं उनको भी देखेंगे तो वो भी सेम टू सेम है। उनमें फ़र्क क्या है आज की वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नाजिन ये वाली डिब्बी देख लेते हैं जो कि है स्टिलमैन फेयरनेस क्रीम की। इसको खोलेंगे तो आप खोल के देख लें, इसके अंदर से भी आपको एक ब्लशर और इसके अलावा एक डिब्बी निकलेगी जिसके ऊपर इन्होंने इसके मुकम्मल बेनिफिट वगैरह ऊपर मेंशन किए हुए हैं और इसका तरीका इस्तेमाल भी ऊपर लिखा हुआ है। जब दूसरे की बात करें ये स्टिलमैन फेयरनेस क्रीम, तो इसके ऊपर भी जो है इन्होंने यही कुछ ऊपर मेंशन किया हुआ है। इसकी जो पैकिंग को खोलें तो अंदर से जो क्रीम निकलेगी वो जो दूसरी क्रीम मैंने आपको पहले दिखाई थी उसकी सेम टू सेम कॉपी है। यानी कि इसको और उसको देखने तो दोनों में कोई जो है फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको ऊपर से देखने में। फ़र्क आप तभी लगा सकते हैं जब आप इसको खोल के अंदर से देखेंगे तो आप क्रीम का कंपेरिजन कर सकते हैं। ऊपर से पैकिंग का इसका कंपेरिजन करना बहुत ही मुश्किल है। नाजिन, इसकी जो पैकिंग है ये सेम उसी तरह की है जितना मैंने आपको पहले दिखाई थी उसकी और इसमें। नाजिन, इसकी पैकिंग में भी इसकी जो कैप है वो मेटल की है और जब ये जो दूसरी वाली है ये फेक है इसकी जो है ये भी जो है मेटल की है। नाजिन दोनों को खोल लेते हैं, खोल के दिखाता हूँ मैं आपको इसमें फ़र्क क्या है। इससे पहले नाजिन इसकी पैकिंग को ऊपर से देख लेते हैं। नाजिन, ये जो है ओरिजिनल वाली इसकी पैकिंग की अगर बात करें तो इसकी पैकिंग जो है ऊपर से इसके ऊपर भी स्टिलमैन फेयरनेस क्रीम पर मेंशन किया हुआ है और दूसरे के ऊपर भी स्टिलमैन फेयरनेस क्रीम ऊपर मेंशन किया हुआ है। दोनों के ऊपर जो है वो सील लगी हुई है इनकी स्टैंप मार्क की, जबकि फेक के ऊपर भी लगी हुई है। ये मैं आपको पहले फेक वाली दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर नाजिन इन्होंने खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर से जो क्रीम निकलेगी ये इस तरह की पैकिंग है। नाजिन, इसको गौर से देखेंगे तो इसकी जो कैप है वो मेटल की और नीचे जो है वो डिब्बी वो प्लास्टिक की है और इसके अंदर से जो ब्लशर है ये इस तरह का निकलेगा जिसके ऊपर इसके बेनिफिट इंग्रेडिएंट्स और इसका तरीका इस्तेमाल ऊपर तफसील के साथ उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है। जबकि दूसरी देखेंगे जो ओरिजिनल वाली है तो इसके ऊपर भी स्टिलमैन फेयरनेस क्रीम ऊपर मेंशन किया हुआ है और इसके ऊपर भी सील लगी हुई है। और इसकी कीमत की बात करें तो नाजिन इसकी कीमत जो है दोनों के ऊपर सेम टू सेम लिखी हुई है जो कि 270 रुपये है। इसको खोल लेते हैं, खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर से जो क्रीम है वो जो मैंने आपको पहले फेक वाली दिखाई थी उसी तरह की निकलेगी। नाजिन, फ़र्क इसका ऊपर से बहुत ही मुश्किल से आपको लगेगा, जबकि आप इसको खोलेंगे तो इसके क्रीम अंदर से जो क्रीम है उसको आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि पैकिंग को खोल के देखेंगे क्रीम को अंदर से तो आसानी से आप दोनों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। नाजिन, दोनों की पैकिंग जो है वो सेम टू सेम है। अब नाजिन इनको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर से जो क्रीमें हैं उनमें कैसे आप जो है आसानी से फ़र्क महसूस कर सकते हैं। नाजिन, कंपेरिज़न करेंगे तो अभी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वैसे देखना चाहें तो जो ये जो फेक वाली है इसको आप जब लगाएंगे हाथ तो इसको आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो है नरम है। इसके थोड़ा सा पुश करेंगे तो इसके अंदर जो है हाथ जो है लग जाएगा, यानी कि आसानी के साथ आपका लग जाए। जबकि जो ओरिजिनल वाली है इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये जो है काफ़ी जो है सख्त किस्म की क्रीम है। नाजिन, इस तरह आप आसानी के साथ देख सकते हैं जो फेक है वो नरम है और जो ओरिजिनल है वो थोड़ा हार्ड है।